तो हेलो गाइस, आज फिर से मैं आपके मजे को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए नेटफ्लिक्स की एक और बवाल सीरीज लेकर आया हूं, जिसका नाम है द विचर, जो आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की पूरी वाइब्स देगा, जो कि आप सभी के लिए किसी इमोशन से कम नहीं है। और इसीलिए फैंस विचर के लिए भी इतने दीवाने हैं, क्योंकि विचर की दुनिया में आपको वो सब मिलेगा जो आपको पसंद है, जादू, दानव और धांसू हीरोइक करेक्टर। पर विचर की कहानी इसकी टाइमलाइन की वजह से काफी कंफ्यूजिंग है। इसके तीनों करेक्टर की कहानी अलग अलग टाइम में चली है, इसीलिए मैं इस सीरीज को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपके मजे में कोई कमी ना रहे। और यकीन जानो कि अब इसका मजा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो। तो सीरीज की शुरुआत में हम गेराल्ट को देखते हैं, जो एक बहुत ही खतरनाक मकड़ी जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, क्योंकि गेराल्ट एक विचर है जिसका काम ही है पैसों के लिए इन मॉन्स्टर को मारना, क्योंकि ये इंसानों को मारते हैं, इसीलिए विचर इसे मार देता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गेराल्ट एकदम तैयार होकर सिंट्रा के महल में आ जाता है, क्योंकि आज महारानी की बेटी पवेटा से शादी के लिए कई सारे राजकुमार आए हैं। तभी रानी का खास जादूगर मोजेक इसे पहचान लेता है कि यहाँ तो रिविया का गेराल्ट भी आया है, एक महान विचर, जिस पर गेराल्ट भी इससे मिलकर काफी खुश होता है। पर मोजेक इससे कहता है कि अब तुम यहाँ से जल्दी नहीं जा सकते मेरे दोस्त, क्योंकि रात भर कई सारे राजकुमार हमारी प्रिंसेस पवेटा का हाथ मांगने के लिए होड़ लगाए रहेंगे। तभी यहाँ पर सिंट्रा की महारानी कलांथे भी आ जाती हैं, जो सीधा जंग से आ रही हैं, और ये आकर कहती हैं कि सभी राजकुमार मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए तैयार हो जाएं। और फिर ये अपनी बेटी पवेटा से कहती है कि ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। पर हम देखते हैं कि पवेटा इस शादी के लिए तैयार नहीं है। तभी महारानी विचर को देखकर कहती है कि आज हमारे यहाँ एक खास मेहमान भी आया है, रिविया के गेराल्ट, शायद ये हमें बता सके कि कौन सा शासक सच्चा है। इसके बाद महारानी कपड़े बदल कर जश्न में शामिल हो जाती है और ये अपने पास विचर को भी बिठा लेती है। और फिर जल्दी ही राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए सबसे पहले निल्फगार्ड के राजकुमार आते हैं, पर रानी उसकी भरे दरबार में बेइज्जती कर देती है कि हमारा सिंट्रा उत्तर का गहना है और तुम्हारा निल्फगार्ड दक्षिण का पखाना। लेकिन ये बेइज्जती महारानी को आगे बहुत भारी पड़ने वाली है। इसके बाद और भी कई सारे रिश्ते आते हैं, पर ये सब बोरिंग थे। तभी आखिर में एक सिपाही राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए आता है, जिसका नाम ड्यूनी है, पर तभी ईस्ट इसका हेलमेट हटा देता है। और इसे देखते ही रानी गुस्से में कहती है कि इसे मार दो विचर, पर विचर कहता है कि ये कोई राक्षस नहीं है, ये बस शापित है। तभी ड्यूनी कहता है कि आश्चर्य के कानून के मुताबिक मैं वही लेने आया हूँ जो मेरा है, यानी तुम्हारी बेटी पवेटा। तभी रानी के हुक्म पर सभी सिपाही इसे मारने के लिए इस पर टूट पड़ते हैं। ड्यूनी अकेले ही इनका सामना करने की कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता। और जैसे ही सिपाही इसे मारने वाले होते हैं, तो तभी विचर इसे बचा लेता है। रानी कलांथे कहती है कि दोनों को मार दो, पर विचर को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि विचर इन सब की हालत खराब कर देता है। और ईस्ट भी कहता है कि आश्चर्य के कानून का पालन होना चाहिए, इसीलिए बाकी भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। और इस मारामारी के बीच में ही महारानी कलांते भी लड़ाई में उतर आती हैं और इन सबको रोक देती हैं। तभी राजकुमारी पवेटा आकर ड्यूनी के गले लग जाती है, क्योंकि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर ड्यूनी रानी से कहता है कि मैं आपको आपके राज्य का एक कानून याद दिलाना चाहता हूँ, जिसे आश्चर्य का कानून कहा जाता है। सालों पहले मैंने आपके पति की जान बचाई थी, जिसके बदले में उन्होंने इनाम के रूप में मुझे आश्चर्य का कानून दिया था, जिसके मुताबिक वापस घर पहुंचते ही उनकी सबसे पहली चीज मेरी हो जाएगी। और इसीलिए जब आपके पति घर वापस आए, तो तभी आपकी बेटी पैदा हुई, जो उनकी सबसे पहली चीज थी, और कानून के मुताबिक आपकी बेटी पवेटा पर मेरा हक हुआ, इसे बदला नहीं जा सकता। पर रानी इसे मानने से मना कर देती है। पर तभी ईस्ट और मोजेक रानी को समझाने की कोशिश करते हैं कि आश्चर्य का कानून हमारी नियति यानी किस्मत से जुड़ा होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। आप कितनी ही कोशिश कर लें, नियति इन दोनों को मिला ही देगी, और अगर आपने इसे रोकने की कोशिश की, तो नियति के अनुसार आप और आपका राज्य तबाह हो जाएगा। पर रानी नहीं मानती, लेकिन पवेटा कहती है कि मैं ड्यूनी से प्यार करती हूँ, जिस पर रानी जैसे ही ड्यूनी को मारने की कोशिश करती है, तो तभी पवेटा की शक्तियाँ जाग जाती हैं, जिससे चारों तरफ तबाही मचने लगती है और इन दोनों के चारों तरफ एक शक्तिशाली हवा का भवंडर बन जाता है, क्योंकि पवेटा एक बहुत ही शक्तिशाली पैदाइशी जादूगरनी है, और इन्हीं शक्तियों की वजह से ये अपने होश में नहीं है। पर विचर अंदर जाकर जल्दी ही इसके जादू को तोड़ देता है, जिससे ये होश में आ जाती है। और ये सब देखने के बाद आखिरकार रानी कलांते भी नियति को मानने लगी, इसीलिए वो इन दोनों की शादी के लिए राजी हो जाती है। और लगे हाथों ईस्ट भी रानी कलांते के साथ अपनी शादी का ऐलान कर देता है, जिसके बाद
जल्दी ही इन दोनों की शादी भी हो जाती है और तभी अचानक से ड्यूनी का श्राप भी टूट जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है। तभी विचर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ड्यूनी कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, इसीलिए मुझे आपका कर्ज चुकाना है। पर विचर कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ड्यूनी कहता है कि मैं अपनी जिंदगी कर्ज में दबकर शुरू नहीं कर सकता। जिस पर विचर कहता है कि ठीक है तो मुझे भी तुम वही दो आश्चर्य का कानून, मतलब अब तुम्हारी सबसे पहली चीज मेरी होगी। तभी पवेटा को उल्टी हो जाती है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। इसका मतलब अब ड्यूनी के बच्चे पर विचर का हक है क्योंकि यही उसकी सबसे पहली चीज है। तभी रानी कहती है कि ये तूने क्या किया विचर। पर विचर कहता है कि मैं नियति को ज्यादा नहीं मानता, मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए, इसीलिए ये यहाँ से जाने लगता है। पर मोजेक इससे कहता है कि तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते, उस बच्चे की नियति तुमसे जुड़ चुकी है और अगर तुमने उसे छोड़ा तो नियति के अनुसार हम सब तबाह हो जाएंगे। पर विचर कहता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मैं एक जगह नहीं रुक सकता और ना ही बच्चे को संभाल सकता हूँ, इसीलिए विचर यहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ से दूर हम एक गांव में येनिफर को देखते हैं जो कुबड़ी है और इसका बाप इसे सुअरों के साथ बांधता है क्योंकि वो इससे नफरत करता है। और फिर एक दिन एक जादूगरनी यहाँ पर आ जाती है और ये येनिफर के बाप से उसे खरीद लेती है और इसका बाप इसे एक सुअर से भी कम कीमत में बेच देता है। पर जादूगरनी टिसाया जानती है कि इस लड़की के अंदर बहुत ज्यादा जादुई शक्तियां हैं, इसीलिए वो इसे अपने साथ ले आती है। और इधर हम विचर को देखते हैं जो महारानी के राज्य से काफी दूर एक शराब खाने में आता है, पर लोग विचर को ज्यादा पसंद नहीं करते, इसीलिए वो इसे यहाँ से निकलने को कहते हैं और इससे लड़ने को भी उतारू हो जाते हैं। पर तभी इनके सरदार रेनफ्री इन सबको रोक देती है और विचर से कहती है कि इस सब के लिए मैं माफी चाहती हूँ। और फिर ये इसके बाद विचर के लिए बियर ऑर्डर करती है और इससे पूछती है कि तो तुम्हारा ब्लेविकिन कैसे आना हुआ, क्या किसी दानव के पीछे आए हो? वैसे तुम और मैं एक जैसे ही हैं, मुझे भी हर जगह दानव ही नजर आते हैं। तभी विचर के पास एक लड़की आती है जो इसे अपने साथ स्टेगोबर के पास ले जाने लगती है। पर यहाँ आने पर विचर को एक जादुई दरवाजा मिलता है जिसके अंदर जाने पर इसे जादूगरों की बिरादरी का खास सदस्य स्टेगोबर मिलता है और ये विचर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पैसों के लिए दानवों को मारते हो, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा, तुम्हें एक दानव को मारना होगा जिसका नाम है रेनफ्री। जिस पर विचर कहता है कि वो दानव नहीं है, पर स्टेगोबर बताता है कि वो एक दानव है क्योंकि वो काले सूरज के दिन पैदा हुई थी और उस सूर्य ग्रहण में पैदा होने वाले बच्चे दानव ही होते हैं। मैंने उसे मारने की कोशिश की पर वो भाग गई क्योंकि उस पर जादू असर नहीं करता और अब वो इतनी खतरनाक हो चुकी है कि उसने खून की नदियां बहा दी हैं और वो अब अपने बदले की आग में मुझे भी मारना चाहती है, अगर उसे नहीं मारा तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। पर विचर को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि इसे लगता है कि रेनफ्री दानव नहीं है, इसीलिए ये उसे मारने से मना कर देता है। और इधर हम देखते हैं कि टिसाया इन लड़कियों को जादू सिखाने के लिए एक पत्थर और फूल देती है और बताती है कि तुम सब में जादुई शक्तियां हैं, इसीलिए मेरे बताए गए मंत्र को पढ़कर बिना छुए अपने अपने पत्थरों को उठाने की कोशिश करो। तभी फ्रिंजिला सबसे पहले उस पत्थर को उठा लेती है पर इसका असर इसके हाथ पर हो जाता है, जिस पर टिसाया बताती है कि हमारा जादू अराजकता से आता है, इसीलिए तुम्हें संतुलन कायम करना होगा वरना अराजकता तुम पर हावी हो जाएगी, इसीलिए हम जादूगरनियां ज्यादा देर तक जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाती। पर अगर तुम इस फूल और अराजकता के बीच में एक संतुलन बना लो तो इस जादू को आसानी से कर पाओगे, वरना इसकी कीमत तुम्हारा शरीर चुकाएगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सब जादू से अपने अपने पत्थर उठा लेती हैं, लेकिन येनिफर नहीं उठा पाती। और इधर जंगल में जब विचर अकेला होता है तो उसके पास रेनफ्री आ जाती है और वो इसे अपने बारे में बताने लगती है कि मैं एक राजकुमारी थी लेकिन मैं कुछ विकृतियों के साथ पैदा हुई, तो इसमें मेरी क्या गलती है, पर उस स्टेगोबर ने मेरी असलियत सबको बता दी और मुझे अपने ही राज्य और लोगों से भागना पड़ा क्योंकि वो सब मेरी जान के दुश्मन बन गए थे, इसीलिए मैं उस स्टेगोबर को मारकर हर हाल में इसका बदला लूंगी। पर विचर इससे कहता है कि अगर तुमने स्टेगोबर को मारा तो तुम भी दानव कहलाओगी और मेरा काम ही है दानवों को मारना, लेकिन तुम अपना बदला भूलकर अपनी जिंदगी इंसानों की तरह खुशी खुशी बिता सकती हो। जिस पर रेनफ्री कहती है कि ठीक है मैं कल ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि रेनफ्री विचर को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर मदहोश कर देती है। इसके बाद जब विचर को होश आता है तो वो समझ जाता है कि रेनफ्री स्टेगोबर को मारने गई है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे फौरन बाजार आ जाता है। पर इसके रास्ते में रेनफ्री के आदमी आ जाते हैं जो इसे मारने की कोशिश करते हैं, पर विचर इनसे कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक है, इसीलिए ये लोग उसे छू भी नहीं पाते और विचर इन्हें चुन चुन कर मारने लगता है क्योंकि विचर के पास भी कुछ खास शक्तियां
पैदा होती हैं, और उनमें से आखिरी वाला तो अपनी मौत को अपने ही सामने देखते हुए मारा जाता है। तभी यहाँ पर रेनफ्री भी उस बच्ची को पकड़कर ले आती है, पर विचर इसे मारना नहीं चाहता, इसीलिए वो इससे कहता है कि बच्ची को जाने दो, तुम अपनी जिंदगी इंसानों जैसे जी सकती हो। पर रेनफ्री नहीं रुकती, वो विचर पर ही हमला कर देती है, और हम देखते हैं कि रेनफ्री भी कम नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई और स्पीड में विचर को भी टक्कर दे रही है। रेनफ्री कहती है कि उन्होंने मुझे भी ऐसे ही बनाया जैसे तुम्हें। अब धीरे धीरे विचर भी इस पर हावी होने लगा है, और जल्दी ही ये रेनफ्री से लड़ते हुए मौका मिलते ही उसकी तलवार छीन लेता है और इससे कहता है कि बस करो अब। पर फिर भी रेनफ्री विचर को मारने के लिए जैसे ही हमला करती है तो उसके ही हाथों मारी जाती है, जिस पर विचर को बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो इसे मारना नहीं चाहता था। तभी यहाँ पर स्टेगोबर भी आ जाता है, जिसे देखकर विचर को गुस्सा आ जाता है। पर तभी यहाँ के लोग विचर पर ही पत्थर बरसाने लगते हैं, क्योंकि आम इंसान विचर को पसंद नहीं करते, इसीलिए विचर यहाँ से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि टिसाया रेनफ्री और बाकी लड़कियों को मन की बात जानने के लिए जादुई कला सिखा रही है, जिसके लिए इन्हें घंटों तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहना है, जब तक ये एक दूसरे के मन की बात ना जान ले। और इधर हम विचर को देखते हैं, और जब ये दूसरे शहर आता है तो इसे यहाँ के लोग एक राक्षस को पकड़ने के लिए पैसे देते हैं जो इनकी फसलें बर्बाद कर रहा है, जिसकी तलाश में विचर एक गवैये के साथ निकल जाता है। और इधर टिसाया इन लड़कियों को कांच की बोतलें देकर एक मीनार के मुहाने पर ले आती है, जहाँ जादूगरों के सिवाय कोई नहीं आ सकता। और फिर टिसाया इनसे कहती है कि आज तुम्हें इस बिजली को इन कांच की बोतलों में कैद करना है, जिससे बाकी लड़कियाँ डर जाती हैं कि ये तो नामुमकिन है। लेकिन टिसाया कहती है कि जादू से ये मुमकिन है, इसीलिए ये डोरेलिस से कहती है कि पहले तुम्हारी बारी है। पर जैसे ही डोरेलिस कोशिश करती है तो बिजली उस पर गिर जाती है, लेकिन टिसाया कहती है कि डोरेलिस को यहाँ से हटाओ, अनिका अब तुम्हारी बारी। और फिर जब अनिका कोशिश करती है तो बिजली बोतल में आ जाती है, लेकिन तभी इसके मुंह पर फट जाती है। इसके बाद टिसाया येनिफर से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, और जब येनिफर कोशिश करती है तो बिजली सीधा इसके ऊपर गिर जाती है, पर इस पर ज्यादा असर नहीं होता, जिसके बाद टिसाया सबरीना से कहती है कि इन लड़कियों को सिखाओ कि ये जादू कैसे किया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सबरीना आसानी से इस जादू को कर पाती है, पर इसे देखकर येनिफर की अराजकता उस पर हावी हो जाती है, और वो अपनी बिजली सबरीना पर छोड़ देती है, जिस पर टिसाया को बहुत गुस्सा आता है, और वो इससे कहती है कि अपनी अराजकता को काबू करना सीखो, क्योंकि इन सब में सिर्फ सबरीना और फ्रेंजिला ही इस जादू को कर पाई हैं। और इधर हम देखते हैं कि विचर भी उस दानव के शिकार में निकला हुआ है, और जल्दी ही विचर उसे ढूंढकर पकड़ लेता है, जो कि एक बोलने वाला बकरे जैसा दानव है, इसीलिए विचर उसे जान से नहीं मारता। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं, और विचर पैसे लेकर दानवों को मारने का अपना काम करता रहता है, और ऐसे ही लोगों को बचाते हुए वो अपनी जिंदगी जी रहा है, जिसमें इसका गवैया दोस्त भी इसके साथ है। और इधर सिंट्रा में हम राजकुमारी सीरी को देखते हैं, जो अक्सर महल के बाहर खेलने के लिए चली जाती है, और ये राजकुमारी पवेटा और ड्यूनी की बेटी है, मतलब यही वो आश्चर्य की बच्ची है जिसे विचर छोड़कर चला गया था। पर आश्चर्य के कानून के मुताबिक अब विचर और इसकी किस्मत जुड़ चुकी है, और इसकी नानी कलांते इसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है, क्योंकि सालों पहले इनकी बेटी पवेटा और ड्यूनी एक जहाजी सफर में मारे जा चुके हैं। और फिर इधर एरेटूजा में हम एक दिन देखते हैं कि येनिफर को नींद नहीं आ रही, इसीलिए ये उसी मीनार के पास आ जाती है, पर यहाँ ये देखती है कि टिसाया इसके दोस्तों पर जादू करके उन्हें ईल मछली में बदल देती है, और फिर ये कहती है कि सामने आओ येनिफर और अपनी दोस्तों को पानी में डाल दो। येनिफर भी इनका मकसद समझ जाती है, इसीलिए ये अपनी दोस्तों को पानी में डाल देती है, क्योंकि अब इनका मकसद है इस जादुई जगह एरेटूजा को शक्ति देना, जिससे ये जगह ऐसे ही चलती रहे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जादूगर बिरादरी के खास लीडर आपस में बैठकर मीटिंग करते हैं कि सिंट्रा अभी भी हम जादूगरों से नफरत करता है, जिस पर टिसाया कहती है कि फ्रिंजिला को हम निल्फगार्ड भेजेंगे, क्योंकि सभी राज्यों के राजा अपने पास एक खास जादूगरनी को जरूर रखते हैं, इसीलिए हम उनके लिए नई जादूगरनियां बनाते रहते हैं, और हमने तय किया है कि एड्रिन के राजा के लिए येनिफर ठीक रहेगी। तभी स्टेगोबर कहता है कि उस कुबड़ी येनिफर को निल्फगार्ड भेजना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक चौथाई एल्फ का खून है, जिस पर बाकी सदस्य भी हामी भर देते हैं। और इधर येनिफर एक खास जादूगर के पास आती है, और ये इससे कहता है कि मैंने अपने जादू और कला की मदद से बहुत सी लड़कियों को खूबसूरत बनाकर राजाओं की खिदमत में पेश किया है, ये एक तरह से जादूगरों का प्लास्टिक सर्जन है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी जादूगरनियों को शपथ दिलाई जाती है, और इधर येनिफर को भी पता चल जाता है कि उसे एड्रिन नहीं बल्कि निल्फगार्ड भेजा जा रहा है, इसीलिए वो गुस्से में उसी
जादूगर के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे एक खूबसूरत महान जादूगरनी बनना है जिसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। जिस पर जादूगर कहता है कि इसके बाद तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। येनिफर कहती है कि मुझे मंजूर है। और बाहर हम देखते हैं कि जश्न में सभी राजा जादूगरनियों के साथ डांस कर रहे हैं क्योंकि हर राजा को अपने लिए एक जादूगरनी चाहिए होती है, इसीलिए ये यहाँ आए हैं। और इधर वो जादूगर येनिफर के ऊपर अपना जादू शुरू कर देता है जिसमें इसे बहुत दर्द होता है क्योंकि इसकी खाल और मांस को खींचकर इसे नया रूप दिया जाएगा, इसीलिए येनिफर का शरीर अंदर से लावा की तरह जलने लगता है। पर येनिफर अपने रूप को बदलने के लिए हर दर्द को बर्दाश्त करने को तैयार है क्योंकि इसी वजह से इसके बाप ने इसे एक सुअर से भी कम कीमत में बेचा था, इसीलिए ये हर दर्द को बर्दाश्त करके अपने पुराने रूप को त्याग कर नए रूप में आ जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर जश्न के बीच में ही येनिफर अपने नए रूप में सबके सामने आ जाती है जो अब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन चुकी है। और जब ये एड्रिन के राजा के पास आती है तो वो फ्रिंजिला को छोड़कर इसके पास आ जाते हैं क्योंकि ये अपने लिए ऐसी ही जादूगरनी को ढूंढ रहे थे, इसीलिए अब फ्रिंजिला को निल्फगार्ड जाना पड़ेगा क्योंकि एड्रिन का राजा तो येनिफर का दीवाना हो चुका है और ये इसे ही अपने साथ लेकर जाएगा। और इधर विचर देखता है कि निल्फगार्ड की एक बहुत बड़ी सेना पहाड़ी दर्रों को पार करते हुए सिंट्रा की तरफ बढ़ रही है जबकि इधर सिंट्रा की महारानी कलांथे जश्न की रात में बिजी है क्योंकि इन्हें लगता है कि निल्फगार्ड इन पर हमला करने के लिए नहीं आ रहे, जिस पर इनका पति ईस्ट कहता है कि वो पहाड़ी दर्रों को पार कर चुके हैं। महारानी ये बात अपनी नाती सिरी से छिपाने की कोशिश करती हैं, पर तभी एक सिपाही आकर इन्हें बताता है कि निल्फगार्ड की सेना जंग के लिए हमारी ही तरफ आ रही है। ईस्ट कहता है कि सिरी को अब सच्चाई बता देनी चाहिए, पर रानी कहती है कि कम से कम आज की रात तो इसे सुकून से गुजारने दो। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि विचर भी मोजेक के पास आ जाता है और इससे कहता है कि सिरी की जान खतरे में है, जिस पर मोजेक इससे कहता है कि क्या तुमने अपना सिर अब तक रेत में गाड़ रखा था, जिस पर विचर कहता है कि पहलिया मत बुझाओ, मुझे वो बच्ची चाहिए। और इधर हम देखते हैं कि महारानी कलांथे निल्फगार्ड से होने वाली जंग की तैयारी कर रही हैं। तभी विचर इनके सामने आ जाता है, पर रानी कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था विचर, पर विचर कहता है कि मैं बच्ची की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ, जिस पर रानी कहती है कि उसे मैंने बिन माँ के पाला है तो मैं अपनी एक लौती वारिस को ऐसे शख्स को क्यों दूं जो उससे एक बार भी मिलने नहीं आया, जिस पर मोजेक कहता है कि सिरी की नियति विचर के साथ जुड़ी हुई है और जिन राजाओं ने आश्चर्य के कानून को तोड़ा है उनका अंत बहुत बुरा हुआ है, जिस पर रानी कहती है कि मैं इसे नहीं मानती, जिस पर विचर कहता है कि अगर आपको जरा भी लगता है कि वो बच्ची यहाँ सुरक्षित नहीं है तो उसे मुझे दे दो, मैं उसे ले जाऊंगा और उसकी हिफाजत करूंगा और सही वक्त आने पर उसे वापस भी ले आऊंगा, जिस पर रानी कहती है चले जाओ विचर, मुंह मांगी कीमत दूंगी। पर विचर कहता है कि आश्चर्य के कानून को पैसों से नहीं बदला जा सकता, जिस पर रानी कहती है कि इसी आश्चर्य के कानून का पालन करके मैंने उस चूहे का रिश्ता कबूल किया था, बदले में क्या हुआ, मेरी बेटी पवेटा मारी गई वो भी उसके साथ, तो अब सिरी ही मेरे राज्य की आखिरी वारिस है और अगर मैंने उसे तुम्हें दे भी दिया तो क्या तुम्हारी नियति हमें जंग जिताएगी, नहीं हमारी सेना हमें जंग जिताएगी, इसीलिए अब तुम और तुम्हारी नियति भाड़ में जा सकते हो। तभी ईस्ट यहाँ पर आ जाता है और वो विचर को अपने साथ बाहर ले जाता है और तभी ये लोग धोखे से विचर को ही कैद कर लेते हैं। और इधर आरेटूजा में जादूगर भी निल्फगार्ड और सिंट्रा की जंग को टालने के लिए सलाह मशवरा कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर फ्रेंजिला आ जाती है जो अब निल्फगार्ड की जादूगरनी है और ये कहती है कि हमारी लड़ाई सिर्फ सिंट्रा से है, जिस पर टिसाया इससे कहती है कि तुम्हारा काम जंग और तबाही को रोकना था पर अब तुम भी निल्फगार्ड के जैसी ही हो गई हो और काले जादू का इस्तेमाल भी करने लगी हो, जिस पर फ्रेंजिला कहती है कि तुम लोगों को लगता है कि हम महाद्वीप को खत्म कर रहे हैं पर अगर हमने सिंट्रा को जीत लिया तो हम उसे बचा भी सकते हैं। वैसे सच कहूँ तो मुझे येनिफर का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि अगर वो निल्फगार्ड को नहीं ठुकराती तो आज मैं यहाँ नहीं होती और ना ही निल्फगार्ड, जिस पर स्टेगोबर कहता है कि सिंट्रा बहुत घमंडी है और उन्होंने सालों से हमसे कोई रिश्ता नहीं रखा है, इसीलिए हमें सिंट्रा की लड़ाई उन्हें खुद ही लड़ने देनी चाहिए, जिस पर ज्यादातर सदस्य इसकी बात से सहमत हैं। और फिर अगले दिन महारानी कलांते अपनी सेना लेकर जंग के मैदान में आ जाती हैं क्योंकि निल्फगार्ड जंग के लिए इनके मुहाने पर खड़ा है और फिर जल्दी ही निल्फगार्ड की सेना हमले के लिए इन पर टूट पड़ती है जिसके जवाब में सिंट्रा की सेना भी हमला करती है और दोनों सेनाओं के आपस में भिड़ते ही खूनी जंग शुरू हो जाती है और निल्फगार्ड के सैनिक बहरहमी के साथ इन्हें मारने लगते हैं जबकि मोजेक महल में सिरी की हिफाजत कर रहा है, लेकिन सिरी को अपनी नानी की फिक्र हो रही है
जिस पर मोज़ेक कहता है कि उनकी फिक्र मत करो, आपका सुरक्षित रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। जबकि इधर रानी कलांते और उनके सैनिक बेरहम निल्फगार्ड के सिपाहियों से अपने शहर और अपनों को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहते हैं, पर ये लोग निल्फगार्ड से हार रहे हैं क्योंकि निल्फगार्ड की सेना बड़ी होने के साथ साथ बेरहम भी है। लेकिन रानी और उसके साथी फिर भी इनसे लड़ते रहते हैं ताकि सिंड्रा को बचा सकें। पर तभी एक तीर ईस्ट के सिर में आकर लगता है जिससे वो वहीं मारा जाता है और अपने पति की मौत से रानी पूरी तरह से टूट जाती है। और फिर इधर हम सिरी को देखते हैं जो अपनी नानी कलांते के वापस आते ही फौरन उनके पास आ जाती है जो बहुत ज्यादा जख्मी है। रानी इसे बताती है कि तुम्हारे नाना ईस्ट मर चुके हैं और हम जंग हार गए हैं। अब निल्फगार्ड की सेना शहर में घुस चुकी है और जल्दी ही वो महल में भी घुस जाएंगे। पर तुम डरना मत मेरी बच्ची, एक दिन तुम इस राज्य पर राज करोगी, तुम बहुत खास हो। और इधर मोज़ेक देखता है कि निल्फगार्ड की सेना महल के दरवाजे तक आ चुकी है, इसीलिए वो अपने जादू से दरवाजे को सील कर देता है। पर ये सिरी से कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। और इधर हम विचर को देखते हैं जो नीचे तहखाने में कैद है, जबकि इधर निल्फगार्ड की सेना रात तक सील को तोड़ने की कोशिश करती रहती है और आखिरकार ये उस सील को तोड़ ही देते हैं। और फिर मोज़ेक महारानी से कहता है कि उन्होंने महल का दरवाजा तोड़ दिया है, मैं उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाया, हमें विचर को उसका हक दे देना चाहिए, शायद नियति अब भी हमारा साथ दे। जिस पर रानी कहती है कि वक्त आ गया। और तभी बाहर हम देखते हैं कि निल्फगार्ड की सेना सिपाहियों के बाद अब शहर के मासूम लोगों को भी बेरहमी के साथ मार रही है। ये जालिम किसी पर भी कोई रहम नहीं करते। तभी मौका मिलते ही विचर भी तहखाने से बाहर निकल आता है और अंदर रानी सिरी से कहती है कि निल्फगार्ड कैदी नहीं बनाते, इसीलिए वो हमारे लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे होंगे और उनके जीते जी उनकी आते बाहर निकाल रहे होंगे। और इधर नीचे आकर मोज़ेक देखता है कि विचर कैद में नहीं है। तभी मोज़ेक आकर रानी को बताता है कि विचर कैद से भाग निकला है, जिस पर रानी सिरी से कहती है कि अच्छे शासक को हमेशा रहम ही चुनना चाहिए, भविष्य में इसे याद रखना, पर अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी सिरी चीख जाती है, मतलब इसमें भी इसकी माँ पवेटा जैसी ही शक्तियाँ हैं, इसीलिए रानी सिरी से कहती है कि जाओ, अब दुनिया तुम पर निर्भर है और अब तुम्हें रिविया के गेराल्ट विचर को ढूंढना होगा, वही तुम्हारी नियति है। और बाहर हम विचर को देखते हैं जो एक ही बार में निल्फगार्ड के चार सैनिकों को जहन्नुम पहुंचा देता है। और इधर ये लोग सिरी को यहाँ से ले जाते हैं और बाहर हम देखते हैं कि निल्फगार्ड के जालिम अब आम जनता को चुन चुन कर मार रहे हैं, इसीलिए महल के अंदर रानी के सिपाही बचे हुए लोगों को जहर की शीशियां दे रहे हैं ताकि ये सब निल्फगार्ड के हाथों तड़पने से अच्छा है आसानी से मर जाएं। और इधर ये सिरी को खुफिया रास्ते से महल से बाहर ले जा रहे होते हैं, जबकि बाहर विचर भी सिरी को ढूंढ रहा है। और इधर महल के अंदर बचे हुए लोग अपने आप को तड़पाए जाने से बचाने के लिए मौत को गले लगा लेते हैं और रानी कलांते भी अपनी खिड़की से निल्फगार्ड की दरिंदगी को देख रही होती है क्योंकि इन लोगों ने इस खुशहाल राज्य को जलाकर राख कर दिया है। और इसकी महारानी भी अपने आप को इसी राज्य के साथ खत्म कर लेती है, जिसे देखकर विचर फौरन सिरी को ढूंढने महल के अंदर चला जाता है। जबकि इधर मोज़ेक सिरी को अपने साथ महल के बाहर ले आता है, पर तभी निल्फगार्ड वाले इन्हें देख लेते हैं, इसीलिए मोज़ेक कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकलो, मैं इन्हें रोकता हूँ। पर तभी सिरी के पीछे निल्फगार्ड का राजा कहर लग जाता है जो इनका पीछा करते हुए सिरी के सिपाही को मार देता है, जिससे सिरी बहुत ज्यादा डर जाती है। और इधर महल में विचर लाशों से गुजरते हुए एक सिपाही से सिरी के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि यहाँ कोई नहीं बचा, सब मारे गए। जबकि इधर राजा कहर अपने साथ सिरी को पकड़कर ले जाने लगता है, पर अपने राज्य की तबाही देखकर सिरी जोर से चिल्लाती है जिससे इसका घोड़ा गिर जाता है। कहर इसे पकड़ने की कोशिश करता है पर सिरी अपनी चीखों से इसे बेरखा कर देती है और इसकी चीख इतनी तेज है कि उससे पत्थर भी चटक कर गिर जाते हैं, जिससे इनके बीच एक गहरी दरार बन जाती है। और इसका फायदा उठाकर सिरी यहाँ से भाग जाती है और छिपने के लिए फौरन जंगल की तरफ भागकर उसमें घुस जाती है। और इसी सस्पेंस और दुख के साथ विचर पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। पर रानी कलांथे ने सिरी से क्यों कहा कि दुनिया तुम पर निर्भर है और ये इतनी खास क्यों है? क्या विचर सिरी को ढूंढ पाएगा या फिर निल्फगार्ड वाले उससे पहले ही सिरी को पकड़ लेंगे? और निल्फगार्ड से इस तबाही और जुल्म का हिसाब कौन लेगा, क्योंकि निल्फगार्ड अब यहाँ नहीं रुकने वाला? इन सभी सवालों के जवाब हमें इसके अगले पार्ट में मिलेंगे। अब क्योंकि हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है तो प्लीज वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर करो और साथ ही सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहें आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।